प्रियम तिवारी, आप देख रहे हैं सत्यवार्ता टीवी न्यूज। सत्यवार्ता टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भिवंडी शहर अध्यक्ष भगवान टावरे एवं उनके कार्यकर्ता पदाधिकारियों द्वारा मंडई स्थित अम्बेडकर वाचनालय के प्रांगण में गांधी जी के प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर एवं अपने कार्यालय पर गांधी जी के प्रतिमा पर माल्य अर्पण कर गांधी जयंती मनाया गया। विशेष तौर पर हम आपको बता दें कि यहां अध्यक्ष भगवान टावरे के साथ साथ यासीन मोमिन, प्रवीण पाटिल, जब्बार काजी, लक्ष्मी नारायण कोंडम आदि कार्यकर्ता पदाधिकारी उपस्थित थे। अधिक जानकारी देते हुए आयोजकों ने क्या कहा, आइए देखते हैं शिवम झा की विशेष रिपोर्ट में। आज जो 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी जयंती है, इस अवसर पर सभी हमारे पदाधिकारी और सभी ने यहाँ आकर जयंती मनाई, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। लेकिन आज जो पूरे देश में जो चालू है, जो नारे लगाते, मतलब मुंह में राम और बगल में छुरी, ऐसा जो बर्ताव हमारे आज के जो प्राइम मिनिस्टर रहे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो नारा लगा रहे, लेकिन आज उत्तर प्रदेश में जो घटना हुई हथरस में, वो जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। आज देश में जो माहौल बना है, पूरे देश में ये जातिवादी का माहौल बन रहा है, और इसके लिए आज अपन महात्मा गांधी जी जो अहिंसावादी थे, उनका आचरण करते हुए पूरे देश में फिर से गांधीवाद लाना चाहिए, ये मैं सोचता हूँ। जो हथरस में घटना हुई, उसमें योगी सरकार को इस्तीफा देना चाहिए। महाराष्ट्र में जो कंगना रनौत के बारे में जो बोला जा रहा था, लेकिन आज मीडिया पूरी चुप है हथरस के हादसे के बाद। मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि जो देश में जो माहौल खराब हो रहा है, इसके बारे में उसका आवाज़ उठाना चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। और फिर से मैं इस गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी जी के जो भी आचार विचार थे, उनको लेके चलना चाहिए। अभी आज हम एक आज़ाद मुल्क में रह रहे हैं, और उसका बहुत बड़ा श्रेय जो है वो गांधी जी को जाता है। हमारा मुल्क 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। जंग आज़ादी में गांधी जी, मौलाना आज़ाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन सब की बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। उनकी कुर्बानियों की वजह से ही देश आज़ाद हुआ, और आज हम एक आज़ाद देश में सांस ले रहे हैं। और आज जो माहौल है, ख़ासतौर पर जो हाथरस यूपी का जो हादसा है, उसको तो जितना कंडेम करे उतना कम है। इतनी बर्बरियत और इतना जुल्म, उसको उसका कोई उसको अल्फाज नहीं, किसी भी जबान में अल्फाज नहीं है ये, जिसके जिसकी उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हम बहुत निषेध करते हैं उसका, और इसका मुतालबा करते हैं कि योगी सरकार को इमीडिएट बर्खास्त करना चाहिए, वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लागू करना चाहिए। सत्यवार्ता की ताज़ा खबरें सबसे पहले देखने के लिए नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, साथ ही लाइक